हेलो दोस्तों, आज हम अल्फा स्ट्रेटजी पे बात करेंगे गेट के बारे में। सबसे पहले वी विल डिस्कस व्हाट इज गेट, देन वी विल टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम एंड हु कंडक्ट्स द एग्जाम, देन वी विल डिस्कस कि कौन एलिजिबल है इस एग्जाम में बैठने के लिए, देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज देन ओपन अप आफ्टर अपियरिंग गेट और आफ्टर गेटिंग अ गुड स्कोर इन गेट। तो सबसे पहले गेट स्टैंड्स फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो दिस एग्जाम इज कंडक्टेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टू वेरियस कॉलेजेस, वेरियस मास्टर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एंड ऑल्सो फॉर स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन वेरियस PSUs। तो इस एग्जाम को IITs प्लस ISC मिलकर कंडक्ट कराते हैं, एंड सो बेसिकली रोटेशनल बेसिस पे हर एवरी IIT गेट्स अ चांस टू कंडक्ट दिस एग्जाम। लाइक 2020 में IIT दिल्ली इज कंडक्टिंग गेट एग्जाम। सो 25 डिसिप्लिन हैं, बहुत लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, कंप्यूटर साइंस, बहुत 25 डिसिप्लिन हैं जिसमें कि एग्जाम ये कंडक्ट होता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे डिसिप्लिन हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न, सो 3 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एंड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। कैलकुलेटर उसमें ऑलरेडी होता है, उसका जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है उसमें। एंड देर आर 2 सेक्शंस। फर्स्ट सेक्शन इज जनरल एबिलिटी, जिसमें कि इंग्लिश और लॉजिक और रीजनिंग आता है। देन पार्ट 2 इज बेसिकली टेक्निकल, जिसमें कि 2 मार्क्स क्वेश्चन भी होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं जिसमें कि 1/3 नेगेटिव होता है। कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी होते हैं जिसमें कि फिल करना होता है। सो कंप्लीट पैटर्न, कंप्लीट एग्जाम इज ऑफ 100 मार्क्स और 3 आवर्स में होता है। तो दिस एग्जाम इज जनरली कंडक्टेड इन ऑन सैटरडेज एंड संडेज इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुवरी। उसके 1 महीने बाद रिजल्ट्स आता है, और रिजल्ट में गेट स्कोर और ऑल इंडिया रैंक डिपार्टमेंट वाइज निकलता है। सो बेसिकली ये बात हुई कि एग्जाम कौन कराता है, पैटर्न क्या है, देन इफ यू टॉक अबाउट हु इज एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, देन एनी पर्सन विद एनी बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज एलिजिबल टू सिट इन दिस एग्जाम। तो मान लीजिए आप किसी भी डिग्री के हैं और आप किसी और ब्रांच में भी एग्जाम देना चाहते हैं तो यू कैन अपीयर, ये कोई कंपल्शन नहीं है। देन वील टॉक अबाउट कि क्या क्या रोल्स ओपन अप होते हैं एक गेट अप में अपीयर होने के बाद, या गेट में अच्छा स्कोर आने के बाद। सबसे पहले हम बात करें जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, दैट इज वेरियस रिक्रूटर्स दैट रिक्रूट थ्रू गेट। काफ़ी सारे अच्छे PSUs हैं, मोर देन 30 PSUs रिक्रूट थ्रू गेट। तो जो PSUs हैं, कई सारे PSUs हैं जो डायरेक्टली रिक्रूट करते हैं, लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। कुछ PSUs हैं जो बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे PSUs हैं जो ऑयल PSUs हैं, वो बेसिकली वेटेज रखते हैं गेट स्कोर का। देन दे ऑल्सो टेक इंटरव्यू एंड ग्रुप टास्क टू मेक अ फाइनल लिस्ट जो सिलेक्ट हुए हैं। तो काफ़ी सारी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए गेट में अपीयर होने के बाद इन दिस PSUs, बिकॉज काफ़ी अच्छा सैलरी PSUs ऑफर करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द ऑयल PSUs, देन दे ऑफर द हाइएस्ट सैलरी दैट कैन बी अलॉटेड या दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू एनी फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। अगर आप किसी और फील्ड में जाते हैं तो इतना अच्छा सैलरी आपको शायद ना मिले। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस होता है वर्क लाइफ प्लस एक सैलरी का, एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट द अदर एस्पेक्ट, दैट इज रिसर्च ऑप्शंस। डायरेक्टली PhD भी कर सकते हैं आप गेट स्कोर के थ्रू। देन यू कैन टेक एडमिशन इनटू एनी मास्टर्स प्रोग्राम इन द IITs, ISC, NITs, काफ़ी सारे कॉलेज में अपॉर्चुनिटी होती है। जस्ट दैट यू हैव टू गो एंड अप्लाई एंड थ्रू द गेट स्कोर एंड देन गिव द इंटरव्यू देयर। उसके बाद ये होता है कि आप IITs या NITs के एक्सपोजर में आप बैठते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, तो आपका वैल्यू एडिशन अपने आप होता है, आपका पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट भी होता है। जब नेक्स्ट टाइम आप प्लेसमेंट बैठते हैं इन कॉलेज में, देन यू टू गेट अ वेरी गुड पैकेज आगे चल के। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी हुई एमटेक के बारे में। और एमटेक जब आप करते हैं, ये रिसर्च आप जब करते हैं, तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। फिर एक एस्पेक्ट हुआ जो कि जॉब से रिलेटेड है। एक और एस्पेक्ट है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं, जैसे कि नीटी मुंबई, दे ऑल्सो टेक थ्रू गेट स्कोर एडमिशन इनटू देयर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, MBA प्रोग्राम। तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो ये 3 मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ओपन अप होती हैं गेट के थ्रू। तो बेसिकली ये एग्ज़ाम जो होता है, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, कौन कराता है, पैटर्न क्या है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होती हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के बाद और एक अच्छा स्कोर लाने के बाद। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि गेट को कैसे क्रैक करना है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।